इंडिपेंडेंट उर्दू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान का इंटरव्यू जो कल शब हमने किया वो आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। तो सोचा कि क्यों ना इस इंटरव्यू के बारे में जो मेरे इम्प्रेशंस हैं, क्या देखा, क्या किस तरह उनको पाया, इस बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लें और थोड़ा सा उस इंटरव्यू का पस मंज़र भी आपको बयान कर दें। जो मेरे जहन में सवाल थे, जो मैं चाहता था काफ़ी अरसे से कि जब भी इमरान खान साहब से मिला मैं पूछूंगा, जैसा कि एक सवाल आपने देखा होगा मैंने पूछा कि एक सियासतदान होते हुए क्या नरम गर्म की पॉलिसी ज़्यादा सूट ना करती उनको पाकिस्तानी हालात में, तो उन्होंने इसका जवाब यकीनन आप लोगों ने देखा होगा मुकम्मल ना की, जो कि हैरान कुन नहीं था। लेकिन जिस तरह के हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब पिछले एक साल से ज़ायद अरसे से गुज़रे हैं, तो मेरा ख़्याल था कि शायद कुछ नरमी का साइन वो दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखाई और जो जारहाना उनका एटीट्यूड है उसी को लगता है कि जारी रखने की उनकी जो पॉलिसी है वो उस पर अब भी बदस्तूर कायम है। वो इस बात पर भी तैयार नहीं थे कि उनकी पार्टी या वो जो हैं कॉर्नर हुए हुए हैं, किसी तंग गली में बंद हैं। उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट और किसी हद तक वैलिड भी है कि अवाम में उनकी पज़ीराई अभी भी मौजूद है, जो वोटर हैं वो अब भी इमरान ख़ान की बात को मानते हैं। हुकूमत ने यकीनन फौजी अदालतों और हार्ड जो उन्होंने इकदाम किए उसकी वजह से उनके वर्कर्स को फ़िलहाल तो घरों तक महदूद रखने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जिस दिन वोट डालने का मरहला आएगा उस वक्त इमरान ख़ान बड़े पुरउम्मीद हैं कि वो जिसको भी खड़ा करेंगे वोट पीटीआई का उसी को पड़ेगा और वही जीत पाएंगे।